हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी या आपका उस वक्त का मैसेज होगा, तो कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे टैरो के थ्रू चेक करते हैं। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करें, ठीक है? टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। इनके ऊपर, इनकी बेसिस पर कभी फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी रीडिंग प्राइवेट रीडिंग से चेक करें और सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई डिसीजन लें। जो डिसीजन आपके हक पर सबसे बेहतर हो, सबसे पहले उसकी दुआ अल्लाह ताला से मांगें, ठीक है? कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे? कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे? नाइन ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड जेमिनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एयर साइन है, ठीक है? आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। द हर्मिट, अरे बाप रे, एक और कार्ड लेती हूँ मैं। कल रात क्या सोच रहे थे? फाइव ऑफ सोर्ड्स। इरिटेट हुए हुए हैं बहुत ज़्यादा, आपने शायद साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हुआ है। इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा क्वाइट हो गए हैं, इतने साइलेंट मोड पे चले गए हैं, आप अपनी तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा फसाद, कोई फड्डा, कोई आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं कर रहे, एंड दे आर क्वाइट सरप्राइज्ड ऑन इट। ऐसा क्या आपकी लाइफ में आया है? क्योंकि मुझे ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे कल की सोचों के हिसाब से बिल्कुल लव रीडिंग लग रही है। आपके पर्सन का कल का थिंक टैंक या सोचों का महवर आप ही थे। आप लोगों की कोई आर्ग्यूमेंट हुई है जिसमें आपने बड़ी ही ऐसी बात कही कि आपने लिटरली अपने आप को इतना ज़िम्मेदार ठहराया कि आप ज़िम्मेदारी लेते हैं अपने तमाम एक्ट की, और आपने लिटरली हथियार उनके हाथ में दिए कि तुम्हें जो करके दिखाना नहीं, यानी कहते ना गुस्से में आके जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी हद तक चितपट हो गए कि ऐसा आर्ग्यूमेंट कभी भी नहीं हुआ, ऐसी पावर कभी भी नहीं देखी। अच्छा, द पॉइंट इज़ कि इन्होंने कुछ ना कुछ आपको ह्यूमिलिएट किया है, अब्यूज़ किया है, आपके कैरेक्टर पे बात की है, या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है जिसमें आपकी लव लाइफ बहुत अफेक्ट हुई। वो बातें वो जब जब याद करते हैं तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और ये चीज़ें काफ़ी इनको इस वक्त इरिटेट कर रही हैं। एक वो रिश्ता जो कि उनको सुकून देता था, उसने बहुत ज़्यादा सोचों में डाल दिया है, और सोचों में इसलिए डाल दिया कि जब कभी भी वो स्पेशली एट नाइट, क्योंकि ये नाइट की बात है, स्पेशली एट नाइट वो जब कभी भी अकेले होते हैं उनको वो फ़ाइट याद आती है। फ़ाइट ना याद आती हो तो वो आर्ग्यूमेंट याद आता है, वो आर्ग्यूमेंट नहीं तो वो मोमेंट याद आता है जब से चीज़ें शुरू हुई थी। कल की चीज़ों से ऐसा भी लग रहा है कि इनके घर में भी कुछ मसला चल रहा है, या तो थर्ड पार्टी के बारे में कोई चीज़ रिवील हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा पता चला है जिसमें किसी कोई इनको बैकस्टैबिंग भी कर रहा है, इनके सिबलिंग्स भी आपस में लड़ रहे हैं, सिबलिंग्स नहीं तो फैमिली मेम्बर्स लड़ रहे हैं, लेकिन कोई ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन किन महाज़ों पे लड़ूं। और अगर इन महाज़ों पे लड़ने में जो एक ही चीज़ जो मुझको सुकून देती थी वो मेरी लव लाइफ थी, और उसी को मैंने एब्यूज़ किया हुआ है। इन तमाम बातों की बिना पर बहुत ज़्यादा अकेले भी हैं, परेशान बहुत ज़्यादा हैं, माइग्रेन पेशेंट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, शायद माइग्रेन काफ़ी सिवियर रहता है, और जो चीज़ हमेशा सुकून दे सकती है वो भी आपसे इनसे दूर है, यानी कि आप। इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी अपने मेंटल पीस के लिए हर वो हरबा आजमा रहे हैं जिसमें आप एक पीसफुल लाइफ गुजारें, और ये खुद तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर ही रहे हैं। आप भी क्वाइट हैं, ये भी क्वाइट हैं, दोनों एक पेज पर एनर्जी को एक्सचेंज नहीं कर रहे। तो कल रात इनकी सोचें यही थी, इसको और मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? आप शायद इनको कोई क्लोजर भी नहीं दे, लड़ाई, चलो जी, टावर हो गया, स्कॉर्पियो, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, ये आपसे अपोलोजाइज भी करना चाहते हैं और सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको मालूम है कि आप अपने एंड पर अब कोई एफर्ट शो नहीं करेंगे, बिकॉज पेज ऑफ कप्स से और सेवन ऑफ कप्स से और टावर मोमेंट से तो कंफर्म हो गया कि आप दोनों एक पेज पर नहीं हैं। अभी आप दोनों में कोई ना कोई लड़ाई या कोई ना कोई
कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ है, और वो कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है कि जैसे आप अपने एंड पर पूरी इन्वेस्टमेंट कर चुके, चाहे रिश्ते के लिए या वैसे, आप अपने एंड पर अपना पार्ट प्ले कर चुके हैं, नाउ यू आर कम्प्लीटली ऑन होल्ड। आप कोई जेस्चर शो नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं शो कर रहे, जिसकी वजह से आपके पर्सन एक सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सिचुएशन को इस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि ऑटोमेटिकली माफ़ी मुंह से ना बोलनी पड़े, लेकिन अपॉलोजी का जेस्चर पता चल जाए। लेकिन इनको ऑन दी अदर हैंड ये पता है कि अब इतने ज़्यादा चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं कि कोई एक सिचुएशन काम नहीं करेगी, मल्टीपल सिचुएशन को इंटरलिंक्ड करना पड़ेगा ताकि माहौल बने और फिर बात खुले। एकदम से सामने आ जाना और कहना लो भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाया था, ऐसा नहीं हो सकता। चीज़ों में एफर्ट डालनी पड़ेगी, जिसमें ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ईगो का प्रॉब्लम लग रहा है, सिचुएशन और माहौल ऐसा बना देंगे, या तो बेगैरती इंतहा की है, इंतहा की बेगैरती ऐसी कि सब कुछ करने के बाद दो लग गई दो झड़ गई वाला मामला, कि चलो होता है हो गई लड़ाई तो क्या हो गया, ऐसा नहीं होता। आप शायद इस वक्त ऐसे स्टेज में नज़र नहीं आ रहे, और कल ये बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे थे कि इस लड़ाई को ठीक कैसे करें, इस लड़ाई में अब ऐसा कौन सा पेंटिकल फिट किया जाए, कौन सी ऐसी चीज़, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी फिट की जाए कि उसने तो अपने एंड पर होल्ड कर दिया, मैं क्या करूँ, मैं क्या ऐसा प्लान करूं, क्या ऐसा प्लॉट करूं कि खुद ब खुद सिचुएशन बन जाए। बहुत सारे ऑप्शंस को ये टटोलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन सुझाई कुछ भी नहीं दे रहा द स्टार कार्ड। आपको एक्चुअली बातों में पटाना मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता। ये थर्ड पार्टी की बात हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके कैरेक्टर पर डेफिनेटली बात की। यहाँ टाइम की भी बात है, आप लोग लेट नाइट बहुत चैटिंग करते हैं, लेट नाइट बहुत बातें करते हैं, और अगर दोनों में से कोई एक लेट नाइट या अर्ली बर्ड है, अर्ली बर्ड राइजर है, तो उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि एक पर्सन रात तक सोच के आपके बारे में सोचता रहता है और एक पर्सन जल्दी सो जाता है, बिकॉज स्टार कार्ड से तो यही फील हो रहा है। इनको आप पे डाउट है जबकि इनको कोई क्लू नहीं मिला, इनको डाउट ज़रूर है कि आपका चक्रम वक्रम कहीं चल रहा है, लेकिन कोई इनको क्लू नहीं मिला। थर्ड पार्टी की रिवील शायद आपको पता चली, इसी बेसिस पर लड़ाई हुई और आप इनको रातों में चैटिंग करते हुए पकड़े गए हैं। मुझे पता नहीं कि ऐसा लग रहा है कोई किसी के साथ फेक आईडी बनाकर भी खेल रहा है, और उस फेक आईडी में आपको उनसे एज अ फेक पर्सन बन बात करके मज़ा आ रहा है, लेकिन जब आपके पास सारी सिचुएशन एंड हो जाती है तो आपको रियलाइज़ होता है ओ माय गॉड व्हाट द हेल इज़ दिस। ठीक है ना, यहाँ मुझे ह्यूमिलिएशन बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है विद द एम्प्रेस कार्ड। ये आपकी खूबसूरती को लेकर, आपकी ब्यूटी को लेकर ये काफ़ी डाउट करते हैं, एंड आप फिर भी इनको हर मैटर में फॉरगिव कर देते हैं। बॉटम ऑफ द डेक द हायरोफेंट, शादीशुदा, यस, दूसरे पेजेस पर हैं आप लोग। इन्होंने या तो आपसे अफेयर चलाया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कल रात यही सब कुछ चल रहा था, कल रात ये यही सब कुछ सोच रहे थे। इनको लग रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन से अफेयर में हैं। एज ब्रैकेट भी ज़रा ज़्यादा है, एज डिफरेंस भी ज़रा ज़्यादा है आप दोनों में भी, और जिस पर इनको डाउट है उस पर भी, ये अपने किसी एक फ्रेंड पर आपको डाउट करते हैं। ट्रू लव, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ये बात करना चाहते हैं आपसे, पास्ट लाइफ नहीं निकाल पा रहे, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। बिल्कुल सही किया हुआ है आपने, आप डिज़र्व करते हैं इज्जत, आप डिज़र्व करते हैं मोहब्बत, आप डिज़र्व करते हैं एहतराम, तो ये चीज़ आप डिज़र्व करते हैं, तो इसलिए आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। आप भी उतने ही एरोगेंट हैं इन टर्म्स ऑफ योर, इनको मालूम है कि आप झुकेंगे नहीं, और आपसे अगर बात की जाए तो आप ऑनेस्टली अपनी तमाम चीज़ें बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ये भी मालूम है कि आप दोनों ने ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज किया है, ऐसा कोई लल्लू पंजू टीनेजर्स वाली मोहब्बत नहीं है, तो इनको मालूम है कि इस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी क्या है। यहाँ ट्रू लव आया, यहाँ पास्ट लाइफ लव आया, और यहाँ पर सोलमेट आ गया, तो इनको बहुत आपकी अर्ज महसूस हो रही है और मुंह इनके पास बात करने का है नहीं। बाढ़ में जाए फिर तो वही बात कि तू बैठ और फिर तू चुप बैठ। ठीक है, यहाँ देखते हैं कल रात वो क्या सोच रहे थे, और फिर उनके मैसेजेस निकालेंगे। बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं चैनल मैसेजेस लिखूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है,
मैं कभी, मेरे पास लॉन्ग वेकेशन होगी। एक्चुअली मैं लॉन्ग वेकेशन में भी इतने वेकेशंस के प्लान बना लेती हूँ कि मेरे पास फिर वो वेकेशन वेकेशन नहीं लग रही होती। और सबसे मेरी पहली प्रायोरिटी अपना, मेरा अपना घर होता है, घर की डिटेल सफाई होती है, तो मैं चैनल मैसेजेस कैसे लिखूँ। बट आई विल, आई रियली अप्रिशिएट योर रिक्वेस्ट। मैं अपने अपना कोशिश करूँगी कि मैं चैनल मैसेजेस को क्रिएट करूँ, ठीक है ना। लेट्स सी बोट रिसीविंग वॉट यू नीड, प्रोग्रेशन अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इशूज, कोई अप्रोच डिवेलप हो रही है, सेल्फ इंडल्जेंस, फोकस ऑन सेल्फ, सेल्फ वर्थ। ये इनको जो लग रहा था ना कि आप इतने क्वाइट कैसे हैं, वो इसलिए कि आप कंप्लीटली सरेंडर करने वाले पर्सन, हार्ट विद द की, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन में ये बात, आप इनके दिल की ही, दिल के ताले की चाबी हैं, लव, अनकंडीशनल लव, सोलमेट। आई मीन दे ट्रूली नो कि आप ही वो पर्सन हैं, अल्टीमेट हैप्पीनेस वाली बात, स्टैब्ड इन द बैक। अपना ही इन्होंने खाना ख़राब किया है, हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, डिसेप्शन, शॉकिंग अटैक, ये जो चीज़ें इन्होंने जो कुछ भी बकी हैं ना आपसे, या इनके दिमाग में जो खन्नास पक रही है, तो उसी का खमियाजा ये भुगत रहे हैं, तो भुगतें हैं। पाम ट्री, चाहे कितनी भी क्लमजी और पुअर सिचुएशन क्यों ना हो, आप अपनी जगह स्टेडी रहते हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल फर्म रहते हैं। ऐसा झूलता है ना वो पाम ट्री, कैसा झूल रहा होता है, इतने नाजुक से तने पर होता है, बट उसकी जो बेस होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, इतने पतले पतले से उनके तने होते हैं, गोवा में बहुत होते हैं, मैंने तो मूवीज़ में ही देखे, वरना यहाँ तो पाम ट्री नहीं होते, हमारे कंट्री में होते होंगे, पता नहीं कहाँ होते होंगे, मैं तो नहीं देखे यहाँ पर, मैंने ये सब फार ईस्ट कंट्रीज़ की तरफ और देखा है, जहाँ पर ये जो शूटिंग होती है फिल्मों में देखा है। ठीक है, अब देखते हैं कि कल रात वो आपके बारे में जब सोच रहे थे तो वो क्या बातें कह रहे थे अपने आप से, अपने जहन में क्या बातें कह रहे। ओह आई वॉन्ट यू भाई, मुझे तुम चाहिए हो, मुझे तुम चाहिए हो, आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, महसूस कर सकते हैं कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, मैं जानता हूँ, जानता था। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, यहाँ मैंने कहा आप शायद अर्ली बर्ड राइजर हैं और ये देर तक आपके बारे में सोचते सोचते जा। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, मैं उस दिन की एक एक डिटेल मुझे याद है, उस दिन, वो दिन जो था ना, उस दिन, उस दिन, उस दिन, उस दिन। We both know I'm not the one for you. हम दोनों जानते थे कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो तुम डिजर्व। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। अब्यूज़ की बात आई थी और यहाँ पर इन्होंने खुद भी अपने आप से ये बात कही है कि इनको उम्मीद है कि एक दिन शायद आप इनको माफ़ कर दें। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू, अब ये तो बड़े डबल मीनिंग है। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू, ये एंगर में भी हो सकता है और ये रोमांस में भी हो सकता है, ठीक है ना। रूप तेरा मस्ताना, ये वो भी बात हो सकती है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, लेकिन यहाँ मुझे अब दूसरी बात लग रही है, तो आप वो गाना भूल जाइए। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, तुम्हें नहीं है अंदाज़ा कि इस तरह तुम्हें जाने देना कितना मुश्किल था। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, वो ये सब कुछ सोच रहे थे। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अवॉइड हेट्रेड, रिस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे की इज्जत कीजिए और मोहब्बत फैलाइए। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।